गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ 9th क्लास फॉर मैथ सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ ट्राइंगल्स. इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन द कंडीशंस फॉर कॉन्करेंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दैट वर SSS, साइड, देन SAS, साइड एंगल साइड, then ASA, that is angle side angle, and last one RHS, right hand side hypotenuse and one side for two triangles. Here I am going to solve one example for you ki how to solve the question, how we will write, how we will prove. So here question is, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at a right angle, then prove that the quadrilateral is a rhombus. Suppose this is a quadrilateral. Figure is very important in this chapter, all the chapters of geometry. Its name you can give by yourself. You can write PQRS. I am going to write ABCD. So diagonal means opposite vertex. When we will join opposite vertex, this line is known as diagonal. So two diagonals are there, they will intersect here at point O, and these angles will be formed. These are of 90 degree. So it is given. First of all, you have to write how to write the given. सबसे पहले given लिखना है. Given क्या लिखेंगे? जो भी statement में given होगा आपके लिए वो आप लिखोगे. हेयर वट इज गिवन, यू विल राइट अ क्वाड्रिलेटरल, ए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. दिस यू विल हैव टू राइट इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगनल्स. वट इज द नेम ऑफ डायगनल्स? बी डी एंड ए सी. बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड मेक्स 90 डिग्री एंगल ईच. दिस इज गिवन. नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव. क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रहम्बस. रहम्बस में क्या प्रूफ करोगे? कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, another side is CD and this one is AD, is equal to CD is equal to DA. ये प्रूफ करना है. उसके बाद स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन. इफ देयर इज एनी नीड टू कंस्ट्रक्ट, कुछ ड्रॉ करना है, देन यू विल राइट कंस्ट्रक्शन. इफ देयर इज नो नीड, देन नो नीड टू राइट दिस स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ. आप इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ दे रहे हो? सो सबसे पहले वी विल टेक द टू ट्राइंगल्स. कोई भी ट्राइंगल ले लो, ठीक है. वी हैव टू शो दीज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी गिवन है. फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोम्बस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. देन कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लो, उनको कॉन्करेंट प्रूफ कर लो. फिर दो ले लो, उनको भी कॉन्करेंट प्रूफ कर लो. फिर ये बोल दो कि सारी ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है, इसके लिए बाय सीपीसीटी यूज़ करो. सीपीसीटी आई विल टेल यू हाउ. सो हेयर आई विल टेक इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, जस्ट सी ओ बी. लास्ट ये पॉइंट बी है, यहाँ पे भी बी होगा, ठीक है. बिकॉज व्हेन यू विल पुट दिस ट्राइंगल ऑन दिस ट्राइंगल, ऑल द पॉइंट शुड बी मैश्ड, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज, मतलब उसके ऊपर पूरा कवर हो जाए, ठीक है.
So what is given here? This angle is 90 degree. You will write angle AOB. This one, angle AOB. Here what is given? Angle COB. See, you have to make the three condition equal. COB is equal to 90 degree. In the bracket you will write reason. किसका क्या रीजन है? इट इज गिवन. देन नेक्स्ट वन इज हेयर इन दीज टू ट्राइंगल्स OBOB इज कॉमन. दोनों ट्राइंगल्स में OB कॉमन है. देन यू विल राइट OB इज इक्वल टू OB. दिस इज आल्सो गिवन. देन नेक्स्ट वन इज OC, OA एंड OC. सो हेयर OA will equal to OC because diagonal bisect हुए हैं. In the question it is given. It is bisect. Bisect means दो part में divide हो गए. So AO is equal to OC. So here we will write diagonals. Diagonals bisect. Bisects each other. So by कौन सी कंडीशन लग गई? दो साइड्स हैं, वन एंगल है. तो by SAS क्राइटेरिया वी हैव ट्राइंगल AOB इज कंकरेंट टू ट्राइंगल COB. इट मीन्स अगर दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल्स कंकरेंट हैं, इनके सारे पार्ट्स इक्वल है. मीन्स OBOB कॉमन होगी, OA इज इक्वल टू OC, तो थर्ड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. दिस इज नोन एज बाय CPCT. CPCT मीन्स कंकरेंट पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्राई एंगल्स. इट मीन्स अगर दो ट्राई एंगल्स कंकरेंट है तो उनकी सारी साइड, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल A जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी के इक्वल होगी. तो ए बी इज इक्वल टू सी बी. हेयर वी विल राइट बाय सी पी सी टी. सो सिमिलरली वी आल्सो प्रूव ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी. इनमें भी 90-90 एंगल है. OD कॉमन हो गया, दिस इज आल्सो गिवन, डायगनल गिवन है कि ये बाइसेक्ट हो गए. तो अगेन बाय SAS कंडीशन दीज टू ट्राइंगल्स विल आल्सो बी कॉन्करेंट. तो ये कॉन्करेंट होगी, इनकी ये वाली साइड AD इज इक्वल टू CD होगी. ओके, देन फिर उनको कंबाइन कर दो. सिमिलरली बाय टेकिंग ट्राइंगल BOC is concurrent to triangle DOC, then we will get BC is equal to DC. फिर इन दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So this we have to prove. In the last you will write hence proved. Hence proved. So this is the method to solve the question. So only I will explain only this. That's all for today. Thank you and have a nice day.